स्टूडेंट आई एम टीचर ऑफ क्लास सेकेंड. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स चैप्टर सेकेंड पार्ट फिफ्थ नंबर्स अप टू 1000. स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर नंबर्स अप टू 1000. 1000 तक के जो नंबर्स हैं उनका हम रिविजन करने जा रहे हैं. नंबर्स हैं क्या? रिमेंबर. रिमेंबर्स मीन्स याद रखने योग्य बातें. हमें ये चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए. पहला पॉइंट है नंबर्स अप टू 9 हैव ओनली वन डिजिट एंड रिप्रेजेंट वंस. जो नंबर्स होते हैं कहाँ तक के? 9 तक के जो नंबर होते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं? वन डिजिट वाले नंबर्स होते हैं, यानी कि एक अंक वाली संख्या होती है. और उनको हम किस तरीके से पढ़ते हैं? रिप्रेजेंट मीन्स पढ़ना या फिर प्रस्तुत करना. उनको कैसे किया जाता है? वंस. वंस के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करते हैं उनको. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है नंबर्स 10 to 99 हैव टू डिजिट्स एंड रिप्रेजेंट टेंस एंड वंस. और जो 10, 9 के बाद अब कौन सी डिजिट आ जाती है आपकी? 10. और जैसे ही 10 होता है वो कैसे नंबर हो गए? टू डिजिट नंबर हो गए, यानी कि दो अंकों की संख्या हो गई. 1, 2 दो अंक है ना इसमें, 1, 2. उसी तरीके से 10 से लेकर 99 तक जो भी डिजिट्स चलेंगे वो आपके टू डिजिट नंबर होंगे, है ना, दो अंकों की संख्या होंगी. और उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? मीन्स पढ़ा जाता है वंस टेंस करके. नेक्स्ट नंबर्स 100 to 999 हैव थ्री डिजिट्स एंड रिप्रेजेंट्स 100, 10s and 1s. उसी प्रकार 99 के बाद जैसे ही 100 आता है वो कैसे नंबर बन जाते हैं? थ्री डिजिट वाले नंबर बन जाते हैं. 1, 2, 3 थ्री डिजिट वाले नंबर बन जाते हैं ना. और वो जब थ्री डिजिट वाले नंबर होते हैं उनको कैसे रीड किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? वंस टेंस हंड्रेड करके रिप्रेजेंट किया जाता है. चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स. जो कि हमारे हमें क्या करना है, मेन यही है, एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है. एक्सपेंडेड का मीन्स क्या होता है? एक्सपेंडेड का मीन्स होता है फैलाना. नंबर्स को यानी कि संख्याओं को क्या करना है आपको? फैलाना है. ठीक है, जैसे कि ये दिया है 18 क्या दिया है आपका? स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि एक एकदम सटीक है. मतलब इसको क्या किया है, अब जो जो बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये 18 एक नंबर है, इसको क्या करना है? टू डिजिट में बनाना है, यानी कि फैलाना है इसको, हमको विस्तारित करना है ना, बड़ा करना है, फैलाना है. तो कैसे फैलाएंगे? 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड से रीड करना स्टार्ट करते हैं मैथ्स में. तो हम लेफ्ट हैंड साइड से रीड कर रहे हैं, यानी कि उल्टा रीड कर रहे हैं. 8 से शुरू करेंगे. 8 क्या हो गया? वंस. और 1 क्या हो गया आपका? 10. उसी तरीके से 118 ले सकते हैं. तो इसमें 8 लास्ट से अपन क्या करते हैं? रीड करते हैं. तो 8 हमने अब रीड किया तो क्या आया? वंस. और सेकंड वाला जो 1 है वो क्या आया? 10. और जो लास्ट वाला 1 है वो क्या गया? 100. इस तरीके से ये क्या है? एक्सपेंडेड फॉर्म है. ये क्या है आपकी? एक्सपेंडेड फॉर्म. मतलब छोटी सी डिजिट को आपने क्या कर दिया? फैला दिया, बड़ा हो गया ना उसी तरीके से. चलिए कुछ अब हम करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने सॉल्व करने जा रहे हैं 2.1. उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं क्वेश्चंस को वही एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है. मैं शॉर्ट में आपको सिखा बता रही हूँ. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म में मीन्स फैलाना है, इन जो डिजिट्स लिखी हैं उनको फैलाना है. एक आपके लिए सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, मैं आगे के बता रही हूँ आपको. 37 मान के चलिए 37 है, तो लास्ट से शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. मैंने 7 क्या हो गया? 1. 7 किस पोजीशन पर? 1s की. 3 टेंस की. 48 में 8 क्या है? 1s की पोजीशन पे. और 8 आपका 4 आपका टेंस की पोजीशन पे. नेक्स्ट 115 5 आपका क्या है? 1s की पोजीशन पे. 1 10 की पोजीशन पे. लास्ट वाला 100 की. 172 उसमें 2 क्या है? 1s की पोजीशन पे. 7 टेंस की पोजीशन पे. और 100 की पोजीशन पे. 212 इसमें 2 क्या है? 1s. और 1 क्या है? 10. और 2 क्या है आपका? 100 है ना. चलिए अब क्या है सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. अब इनको भी आपको कैसे करना है? वंस टेंस करके नहीं, अब फैलाना तो है लेकिन आपको विदाउट नंबरिंग सिस्टम के नहीं फैलाना है. मतलब वंस टेंस करके नहीं फैलाना है इनको. जैसे कि एक दिया हुआ है 25 को. 25 को कैसे फैला सकते हैं हम? 20 अलग कर सकते हैं, 5 अलग कर सकते हैं. उसी तरीके से 33 को कैसे करेंगे? 3 + 30 मीन्स 3 के बाद कितनी डिजिट बने आपका? 1 डिजिट बना है इसलिए हमने 10 लिख लिया. सिंपल फॉर्म एक ये भी होती है. दूसरी तरीका ये भी होता है कि 46 कैसे बनाए? 40 मिलाकर और 6 मिलाकर 46 बनाए. इस तरीके से भी कर सकते हैं. एक और एग्जांपल दे सकते हैं. 55 लिखा है तो सिंपली 5 वंस की पोजीशन पे और 50 जो लास्ट वाला 5 है वो 50 की पोजीशन पे. तो इस तरीके से किसी भी एंगल से हम लिख सकते हैं इनको, है ना. 3 डिजिट के नंबर्स भी देख सकते हैं हम. 163 में क्या करेंगे? 3 जो है वंस की पोजीशन पे. अब 6 आ रहा है. 6 किस पोजीशन पे? 60 की पोजीशन पे. तो 60 लिख लिया. और लास्ट वाला 1 किसका है?
100 की पोजीशन पे तो 100। और सिंपल वे में भी हम कह सकते हैं 8 के आगे कोई चीज़ नहीं बनी, कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए 8 अकेला। अगर 7 हमको लिखना है तो 7 के बाद एक डिजिट लिखी हुई है, तो 7 के आगे एक डिजिट है, इसलिए 7 के आगे 10। और 1 के आगे कितने डिजिट है यानी कितने नंबर है, 1 2, इसलिए मैंने 20 लगा दिए, 7 1 के आगे 20। मतलब किसी भी वे में हम लिख सकते हैं सिंपली 4 को 4, 8 किस पोजीशन पे 80 की और 100 की, 9 किस पोजीशन पे 1s की, 1 किस पोजीशन पे 10s की, 2 किस पोजीशन पे 200 की, 4 किस पोजीशन पे 4 की, 5 किस पोजीशन पे 50 की और 3 किस पोजीशन पे 300 की। किसी भी तरीके से हम बोल सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत सरल होती है, बहुत इजी होती है, आप आराम से बना सकते हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो इस वीडियो को अगेन देखिए, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।